एक नया कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हर एक बैंक का कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए। हर एक बैंक का कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए। इट मींस व्हाट? तो देखो, माल्या जैसे लोग बैंक से लोन लेकर रीपेमेंट नहीं करते। अब अगर माल्या जैसे लोग रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो नाउ बैंक ने जिन कस्टमर से डिपॉजिट लिया था, वही डिपॉजिटेड अमाउंट बैंक एज अ लोन देती है। मतलब जनरल पब्लिक से एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उसी को एज अ लोन जनरल पब्लिक को देती है। डिपॉजिट पर अगर 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो लोन पर 9-10% इंटरेस्ट ले रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इज देयर इनकम मार्जिन। लेकिन आप समझो, जिसको मैंने लोन दिया, जैसे माल्या को, और इसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, अब अगर लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो बीइंग अ बैंक, मैंने जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था वो तो पैसा डूब गया। अब तुम जैसी पब्लिक जिसने डिपॉजिट किया था वो पैसा विड्रॉ करने आएगा, तो बीइंग अ बैंक मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन कभी अराइज ना हो, इसलिए हर एक बैंक को अपना कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम 9%। एवरी बैंक हैज टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेट, एडिक्वेट सफिशियंट, कैपिटल एडिक्वेट होना चाहिए। मिनिमम कितना परसेंट? 9%। कि कभी ऐसी सिचुएशन आई कि किसी कस्टमर ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो दूसरे कस्टमर जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है उन्हें मैं रीपे ना कर पाऊं। बैंक ऑलवेज ऐसी पोजीशन में होनी चाहिए कि जिन्होंने डिपॉजिट किया है वो अपना पैसा विड्रॉ कर सके। इसलिए हर एक बैंक को CAR मेंटेन करना पड़ता है 9%। CAR का एक फॉर्मूला है, CAR इज इक्वल टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड इज नथिंग बट ओनर्स फंड अपॉन रिस्क वेटेड असेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कैपिटल फंड पहले यहां पर समझो, कैपिटल फंड इज नथिंग बट ओनर्स फंड, एंड हियर कैपिटल फंड्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट एज Tier 1 capital and Tier 2 capital. Tier 1 capital and Tier 2 capital. मैं आपको ना रेशियो टॉपिक का क्वेश्चन पूछता हूं। रेशियो टॉपिक में हमने शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला पढ़ा है। The formula for shareholders fund is share capital. Share capital, when I say share capital, that is equity share plus preference share plus reserves and surplus, that include all the reserves, whether it is divisible profit, non-divisible profit, capital profit, revenue profit, all types of reserves and surplus, minus miscellaneous expenditure. Ab yahan par ye jo capital fund hai na, this capital fund is nothing but owner's fund only. और ये ओनर फंड का फॉर्मूला भी यही है, शेयर कैपिटल रिजर्व ये, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इस शेयर होल्डर्स फंड को ना बच्चा लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टियर वन कैपिटल एंड टियर टू कैपिटल।
टीयर वन कैपिटल में बैंकिंग कंपनी कहती है यहां पर सिर्फ वही ओनर का पैसा आएगा विच इज रेडिली अवेलेबल टू पे ऑफ द डेट, विच इज रेडिली अवेलेबल टू पे ऑफ द डेट। एंड टीयर टू कैपिटल में भी ओनर का ही पैसा आने वाला है, बट ऐसा फंड विच इज लेस रेडिली अवेलेबल। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रेडिली अवेलेबल, लेस रेडिली अवेलेबल। तो बच्चा लोग देखो, कल ऐसी जरूरत पड़ी कि किसी कस्टमर को इमीडिएटली मुझे पैसा देना है, तो मेरे पास ऐसा कितना फंड्स है मेरे पास कि मैं इमीडिएटली पेमेंट कर सकता हूं। तो शेयर कैपिटल इज पार्ट ऑफ टीयर वन कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ टीयर वन कैपिटल, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। वन रिजर्व विच इज एक्चुअली जनरेटेड, that is income received in cash, and another is revaluation reserve. Chalo, revaluation reserve is not realized in cash. मुझे मेरा वीडियो ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क इश्यू जिसकी वजह से हैंग हो रहा है, ठीक है। तो revaluation reserve एक ऐसा reserve है which is not realized in cash. ये मेरा estimation है कि मेरे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, वेदर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वो सब एक्चुअली जनरेटेड हैं इन कैश। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक्चुअली जनरेटेड जो कैश में होते हैं वो टीयर वन कैपिटल में चले जाते हैं, विच इज नॉट रियलाइज इन कैश, ये टीयर टू कैपिटल में चले जाते हैं। टीयर वन कैपिटल मतलब ऐसा फंड्स जो कंपनी के पास अवेलेबल है इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए, और टीयर टू कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है। ये मेरा एस्टिमेशन है, मतलब अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे मेरा असेट्स बेचना पड़ेगा, असेट्स बेचूंगा फिर प्रॉफिट होगा, फिर कैश आएगा, उसके बाद मैं डेट का पेमेंट कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? यस सर। Now, the formula for tier 1 capital is share capital, that is equity plus preference, plus reserves and surplus, but excluding revaluation reserve. Excluding revaluation reserve. Minus miscellaneous expenditure, minus, ध्यान से समझना, equity investment in subsidiary company. Equity investment in subsidiary company. अब ये minus क्यों कर रहे हैं? तो समझो ये किसी company का balance sheet है. इस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 50 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 20 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब डिपॉजिट्स वगैरह वो सब 50 लाख। फिक्स एसेट्स खरीदा है, लोन्स दिया है, इन्वेस्टमेंट्स दिया है। अब इन्वेस्टमेंट में दो तरीके का इन्वेस्टमेंट है, एक सब्सिडियरी कंपनी में पैसा लगाया है और एक अदर इन्वेस्टमेंट है। कैन आई से ये जो पैसा हमने ओनर और बाहर से बोरो किया है वही असेट साइड इन्वेस्ट किया है? यस और नो? यस सर। तो ये जो ओनर का पैसा है 70 लाख, शेयर होल्डर का पैसा 70 लाख है, ये एसेट साइड इन्वेस्ट किया होगा? यस सर।
अब ये सब पैसा बिजनेस में लगा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहना इसे बिजनेस के बाहर आपने लगाया। Yes. अब अगर आपने पैसा बिजनेस के बाहर लगाया है तो आप फ्यूचर में जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हो। बट जब मैं बात करता हूं इमीडिएटली फंड्स अवेलेबल, तो जो सब्सिडियरी कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, सब्सिडियरी में कब बोलता हूं, जब मेरे पास उसका 51% या उससे 51% या उससे ज्यादा शेयर मेरे पास है, तो इतना बड़ा स्टेक बेचूंगा तो क्या इमीडिएटली बायर मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऐसी लेस प्रोबेबल, बहुत कम है। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जो पैसा है सब्सिडियरी में जो तुमने इन्वेस्ट किया है ये बिजनेस के बाहर जा चुका है और ये इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है टू पे ऑफ द डेट। ये पता नहीं कब बिकेगा, इसको बिकने में कितना टाइम चला जाएगा। देखो मेरे पास रिलायंस कंपनी का 10 शेयर है तो मैं 1 मिनट में उसको बेच सकता हूं ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी का 51% है उससे ज्यादा शेयर है तो मैं उसको इतना इजीली नहीं बेच सकता, क्योंकि इतना बड़ा परचेजर बायर कोई मिलना भी तो चाहिए। हेंस व्हाइल कंप्यूटिंग टियर 1 कैपिटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी को यहां पर माइनस कर दिया जाता है। टियर टू कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो अवेलेबल है बट लेस अवेलेबल है। इसमें सिर्फ एक चीज आता है, आते तो बहुत सारी चीजें हैं बट तुम्हारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बस एक ही चीज याद रखना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। एंड दिस इज माय एक्चुअल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट? एस्टिमेटेड। हेंस दिस शुड बी डिस्काउंटेड बाय 55%। डिस्काउंटेड बाय 55% मतलब अगर मैंने रीवैल्यूएशन रिजर्व सोचकर रखा था 10 लाख, तो इस 10 लाख में से 55% माइनस कर दो, बचा हुआ रियलाइज होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, hence it should be discounted by 55%. Tier 1 capital plus Tier 2 capital will give you capital fund. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what do you mean by risk-weighted assets? तो ये बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है ना, इन सब में कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा हुआ है। हमारे हर एक एसेट्स में एक रिस्क जुड़ा हुआ है। क्या रिस्क जुड़ा हुआ है समझो, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट बिकेगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा? नहीं। तो मेरा इस इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। कितना रिस्क जुड़ा हुआ है? तो बैसल कमेटी इसके लिए अपॉइंट की गई थी, बैसल कमेटी। एज पर बैसल कमेटी एवरी असेट्स हैज सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड विद इट। इन्वेस्टमेंट इस पर वो रिस्क बोलते हैं 100%, मतलब ये पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी 100% चांसेस है। लेकिन अगर यही कैश इन हैंड है, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, तो इसमें रिस्क है क्या? नहीं। नो सर। रिस्क परसेंट 0। अगर बैलेंस विद बैंक है क्या बैंक कभी बैंकरप्ट हो सकता है? यस सर। यस मतलब इसमें भी रिस्क है बट प्रोबेबिलिटी रिस्क होने की कम है, तो इसको 20% रिस्क माना गया। बैलेंस विद आरबीआई, आरबीआई के पास बैलेंस है, इसमें रिस्क लग रहा है तुमको? है नहीं सर। 0% रिस्क। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बच्चा लोग इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नो रिस्क। लेकिन अदर इन्वेस्टमेंट है तो 100%।
तुम्हारे पास जितने फिक्स एसेट्स है वो बिकेंगे, इसकी गारंटी है? नो, रिस्क 100%। तो तुम्हारे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है उनको उसके रिस्क परसेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसे हम बोलेंगे रिस्क वेटेड एसेट्स। उसे हम क्या बोलेंगे? रिस्क वेटेड एसेट्स। और कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स मिनिमम कितना आना चाहिए? 9%। एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम इज नथिंग बट अ ऑफ बैलेंस शीट आइटम कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो हमें कभी भी पे करना पड़ सकता है, कंटिंजेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, हर एक बैंक को कैपिटल एडिक्वेट मेंटेन करना पड़ेगा, कितना? मिनिमम 9%। सो एज पर बैसल कमिटी एवरी बैंक शुड मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 9%। CR इज इक्वल टू कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस Of balance sheet into 100. Now capital fund kya hota hai? So capital fund as per Basel committee divided into two categories: tier 1 capital and tier 2 capital. Tier 1 capital, it is a fund which is immediately available to pay off the debt. In this, share capital plus reserves and surplus excluding revaluation reserve minus miscellaneous expenditure and minus equity investment in Subsidiary, it will give you tier 1 capital. Tier 2 capital, ek aisa fund hai which is less liability available, hence it should be discounted by 55%. Formula for tier 2 capital revaluation reserve less discount by 55%. Risk weighted assets, har ek assets par kuch na kuch risk juda hua hai. Cash in hand, zero percent. Cash with RBI, zero percent. Balance with other bank, 20%. Investment in government security, zero percent. Other investment, 100%. Any advances which is guaranteed by government, zero percent. Why zero percent? Because it is guaranteed by government. Government and other advances, fixed assets, ye sab 100%. 100%. Is par exam mein ek hi baar question aaya tha to hum isse juda hua ek sum solve karenge aur aap ye theory bhi copy karo. Question number 10. Question number 10. Perfect Bank Limited has the following capital fund and assets. Find out tier 1, Tiger tier, and tier 2 capital, risk adjusted assets and risk weighted assets ratio. रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो मतलब कैपिटल एडिक्विटी एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है? तब देखो इंफॉर्मेशन दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, बच्चा लोग इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पर जाएगा? टियर 1। टियर 1 स्टैट्यूटरी रिजर्व टियर 1। टियर 1 कैपिटल रिजर्व ऑफ व्हिच 5 करोड़ वाज ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो इस 15 में से 5 T2 में जाएगा, 10 T1 में रहेगा। शेयर प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ T1, जनरल रिजर्व T1, कैश बैलेंस रिस्क वेटेड एसेट्स का पार्ट 0%, बैलेंस विथ RBI 0%, बैलेंस विद अदर बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद अदर कॉमर्शियल बैंक, अदर कॉमर्शियल बैंक, सो सेम रिस्क विद एसेट्स आ जाएगा ना, 20% रिस्क वेटेड एसेट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी लेस फ्रॉम T1, other investment 100%, guarantee, loan and advances guaranteed by government
0% गारंटी बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट 0% अदर लोन्स 100% प्रीमाइसेस फर्नीचर 100% 100 अदर असेट्स 100% फिक्टिशियस लेस फ्रॉम डे 1 an off balance sheet item except an endorsement and letter of credit it off balance sheet item wo to denominator mein add kar de formula mein aayega yes denominator mein add kar de chalo write down calculation calculation of tier 1 capital chalo mujhe batao share capital mein 200 crore sirf equity share amount diya hai yes sir kitna 200 plus reserves and surplus कौन कौन सा रिजर्व बोलो स्टैट्यूटरी रिजर्व 40 नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व 10 सिक्योरिटी प्रीमियम 10 नेक्स्ट जनरल रिजर्व 20 next sir abhi less hoga fictitious asset less hoga 10 40 plus 20 plus 20 ye 80 ho gaya minus fictitious assets kitna fictitious assets 10 equity investment in subsidiaries 12 calculation of tier 2 capital what is the amount of revaluation reserve 5 less discounted at the rate of 55%
बराबर है? यस सर। कैपिटल फंड इज इक्वल टू टीयर वन प्लस टीयर टू 258 प्लस 2.25 260.25 नाउ वी हैव टू कंप्यूट रिस्क वेटेड असेट्स assets amount risk percent risk weighted amount cash balance 0% cash balance amount kitna tha 10 0% the risk weighted amount is nil balance with RBI 5 balance with RBI amount 5 risk weighted 0 the risk weighted amount is nil balance with other banks 20% 12 what is the amount 12 तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.4 इज इट क्लियर यस सर ऐसे सारे एसेट्स का रिस्क परसेंट हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है तुमको अमाउंट लिखना है उसको मल्टीप्लाई करना है रिस्क परसेंट से रिस्क वेटेड अमाउंट मिल जाएगा फिर लास्ट में रिस्क वेटेड अमाउंट का टोटल करेंगे करो कंप्लीट एक काम करो मुझे फटाफट बोलते जाओ फोर्थ फिफ्थ क्या नेक्स्ट बोलो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीधा अमाउंट बोलो रिस्क वेटेड अमाउंट 4 4 नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट 78 नेक्स्ट गारंटी बाय गवर्नमेंट लोन गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0 फिर वापस गारंटी है पीएसयू पब्लिक सेक्टर तो वो भी जीरो है फिर अदर है 1500 अदर लोन्स एंड एडवांसेस 1500 नेक्स्ट प्रीमाइसेस फर्नीचर एंड फिक्स्चर 100 अमाउंट 100 100 next other assets amount 120 so total so main investments add karna bhool gayi thi isme mera match nahi hua
1804.4. Risk weighted assets 1804.4 plus off balance sheet item mein amount 800. कितना है? 9.9927. Risk weighted assets ratio 9.99%. So it is sufficient. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, कैलकुलेशन ऑफ गारंटी, कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी. इफ द लोन्स आर गारंटीड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, डीआईसीजीसी, ये कैसी एजेंसीज है जो कस्टमर के बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर बैंक को गारंटी देने का काम करती है. कस्टमर के बिहाफ पर बैंक को गारंटी देने का काम करती है. तो समझो बैंक ने इस कस्टमर को 100 crores का लोन दिया है. बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है 100 crores का. इस 100 crore में से 50 crores तक की गारंटी ईसीजीसी दे रहा है. गारंटी कौन दे रहा है? ईसीजीसी. बीइंग अ बैंक, जब बैंक किसी भी कस्टमर को लोन देती है तो विदाउट सिक्योरिटी नहीं देती. तो नाउ बैंक हैज टू सिक्योरिटी. फर्स्ट सिक्योरिटी विच हैज टेकन फ्रॉम द कस्टमर, उसका कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह जो गिरवी रखा है. एंड अनदर सिक्योरिटी इज विच इज गिवन बाय ईसीजीसी, डीआईसीजीसी. ईसीजीसी क्या है? अरे ये एक एजेंसी है, ये एक मिडलमैन है जो कस्टमर के बिहाफ पर बैंक को गारंटी देता है और उस कस्टमर से वो कुछ कमीशन या कुछ भी पर्टिकुलर ब्रोकरेज वगैरह टाइप लेगा. ईसीजीसी कितना कस्टमर से कमीशन, कितना ब्रोकरेज ले रहा है वो अपना लुकआउट नहीं है. बीइंग अ बैंक, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अब हम जब कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो हमें कस्टमर से ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह मिले होंगे, वो तो सिक्योरिटी है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी, दैट लोन्स आर ऑल्सो गारंटीड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजीसी इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. तो अब समझो इस कस्टमर को हमने लोन दिया है 100 crore का. तो इस पर आरडीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ द 50% ऑफ द लोन इज गारंटीड बाय ईसीजीसी, तो उसके लिए ना पहले हम क्या करेंगे, लोन अमाउंट लेंगे. इस लोन अमाउंट से माइनस करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी कस्टमर ने गिरवी रखा है इसका पता करेंगे रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है. तो पता चला इसका मार्केट वैल्यू है 80 crores. तो अब तक हम क्या करते थे मालूम है,
ए माइनस बी जो आता था उसको अनसिक्योर्ड बोलते थे, कितना लोन अनसिक्योर्ड है। बट यहां पर क्या लोन की गारंटी ईसीजीसी ने दिया है? यस, कितना परसेंट? 50%। तो इसमें से माइनस करेंगे 50% गारंटीड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी। तो 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ द अमाउंट विच इज अनसिक्योर्ड पार्ट। तो यहां पर अनसिक्योर्ड पार्ट है 20 करोड़, उसमें से 10 करोड़। तो अब फॉर अ बैंक ओनली 10 करोड़ विल बी कंसीडर्ड एज अनसिक्योर्ड। सर ईसीजीसी ने तो 50% गारंटी दिया था। हाँ, तो 50% किसका? अगर पूरा का पूरा 100 करोड़ अनसिक्योर्ड होता तो उस 100 करोड़ का 50% ईसीजीसी गारंटी देता। बट जब ऑलरेडी कस्टमर के प्रॉपर्टी से 80 करोड़ रिकवर होने वाला है तो बीइंग अ बैंक तुम्हारा लॉस कितना होगा? 20। उस 20 का 50% ईसीजीसी गारंटी देगा। तुम बीइंग अ बैंक बिजनेस करो, थोड़ा तो रिस्क तुमको लेना ही पड़ेगा। पूरा अगर ईसीजीसी गारंटी दे देगा तो तुम्हारा रिस्क क्या रहेगा? तो यहां पर 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ अनसिक्योर्ड पार्ट। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग आरडीडी, बच्चा लोग ये जो ईसीजीसी और डीआईसीजी वाला है ना, ये रूल आप तब अप्लाई करोगे इफ द लोन्स आर डाउटफुल। इफ द लोन्स आर डाउटफुल, इफ द लोन्स आर स्टैंडर्ड ऑफ सब स्टैंडर्ड, तो अभी जो मैं रूल बता रहा हूं ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस रूल विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द लोन्स आर डाउटफुल। डाउटफुल में याद करो कैटेगरी था अप टू 1 ईयर, मोर देन 1, अप टू 3, मोर देन 3, ऐसा था ना? Yes, sir. तो 1 ईयर के लिए 25% था, मोर देन 1 अप टू 3 40 था, मोर देन 3 100%। तो ये सब हम सिक्योर्ड पोर्शन पर अप्लाई करते थे। तो मेरे एग्जांपल में सिक्योर्ड पोर्शन कितना है? 90 करोड़ 80 करोड़। बी में जो अमाउंट आया इनटू 25% और 40% और 100%, 25% और 40% और 100%। सर क्यों 80 करोड़? 90 करोड़ होगा ना टोटल सर? नहीं, समझो यहां पर हम आरडीडी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर आरडीडी प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये किसने गारंटी दिया है? ईसीजीसी। तो उतना तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन ये 80 करोड़ का जो मैं एसेट्स बोल रहा हूँ बिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं इतने में बिकेगा। एट प्रेजेंट इतना मार्केट वैल्यू है, फ्यूचर में शायद इसकी वैल्यू और भी कम हो सकती है। तो एसेट्स पर प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, बट ईसीजीसी और डीआईसीजीसी जो गारंटी दे रहे हैं उस पर फर्दर प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हेंस 25% 40% एंड 100% वुड बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन 80 crores. And unsecured portion का पार्ट कितना है? 10 crore. तो उस पर तो 100%. Unsecured portion 100%. जो भी आएगा दैट इज माय आरडीडी। ऐसा मेथड एग्जाम में कब यूज करोगे? इफ द लोन्स आर गारंटीड बाय, इफ द लोन्स आर गारंटीड बाय ईसीजीसी और डीआईसीजीसी एंड द लोन आर डाउटफुल असेट्स। ठीक है? यस सर।
चलो हेडिंग दो. क्वेश्चन नंबर 12 पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड इन पीएनएल अकाउंट. फर्स्ट पैकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसर रुपीज 60 लाख. क्रेडिट आउटस्टैंडिंग विच द बैंक होल्ड सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 15 लाख. बैंक के पास इतनी सिक्योरिटी है. 40% ऑफ द अबव एडवांस इज कवर्ड बाय ECGC एंड द अबव एडवांसेस हैज रिमेन डाउटफुल फॉर 3 ईयर. चलो हमें RDD कैलकुलेट करना है. मुझे बताओ व्हाट इज द लोन अमाउंट. Sixty lakhs. What is the realizable value of security? 15. What is the amount of person guaranteed by 40. ECGC? 40%. 40% guaranteed by ECGC. अच्छा तुम लोग ने थियरी लिखते वक्त 50% लिखा क्या यहाँ पर थियरी में. वहां पर डैश परसेंट करो. हमेशा 50% गारंटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है. मेरे एग्जांपल में मैंने बोला था ECGC ने इतना गारंटी दिया है. इट कैन बी 70% 80% इट कैन बी 30% दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. सर फिर हेडिंग क्या लिखनी है कहाँ पर. सर आपने अभी क्या चेंज बोला हेडिंग में क्या करना है. हेडिंग में नहीं वो 50% तुमने लिखा होगा ना 50%. हाँ सर गारंटीड बाय ECGC में डैश परसेंट लिखना डैश. ओके सर तो 45 का 40% कितना आ रहा है. 18 लाख. सो अनसिक्योर्ड पोर्शन इज 27 लाख. Now we have to calculate RDD secured portion ka kitna percent. It is doubtful for how many years. 3 years 100%. Up to 3 years. अरे हाँ हाँ 45%. 15 lakh का 40%. और unsecured 27 lakh का 100%. 15 lakh का 40%. So total RDD 33 lakh. Sir, question number 14, point number 4. Question 14, point number 4. The following balances are extracted from the trial balance as on 31st March 15. Interest and discount. हमने सबसे पहला जो बैंकिंग कंपनी में कॉन्सेप्ट किया था डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड ये वाला है. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इतना इंटरेस्ट डिस्काउंट मिला. रिबेट फॉर बिल डिस्काउंटेड. Rebate for bill discounted. This is my opening rebate. Bill discounted and purchase. Itna total bill during the year bank ne purchase kiya. It is ascertained that the portion discount not yet earned for bill to mature in 14-15 amounted to 24,000. It is ascertained that the portion of discount not yet earned for bill to mature, not yet earned. This is my unexpired discount. That is my closing rebate. क्या पूछा है प्रिपेयर.
लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट, तो बच्चा लोग यहाँ पर हमें दो लेजर अकाउंट बनाना होगा। पहला क्या नाम था, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एंड दूसरा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बच्चा मुझे बताओ, अपने क्वेश्चन में ओपनिंग रिबेट दिया है क्या? यस सर। रिबेट इज माय लायबिलिटी, रिबेट इज माय लायबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट अप्रैल 2014। कितना बच्चा लोग ओपनिंग रिबेट? 45,000। समझो, बाद में लिखना। अब मुझे बताओ, मैंने आपके जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या सिखाया था? हमें क्या करना होता ओपनिंग रिबेट को सबसे पहले क्या करेंगे? सर वापस हम ट्रांसफर देंगे बिल डिस्काउंट। एंट्री फॉर दैट, फॉर रिवर्सल, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। So this discount, interest and discount is nothing but a discount on bill discounted. तो क्या होगा 1/4/14 को 2 rebate के debit में और discount के क्रेडिट में, बराबर है? यस सर। जितना बिल ड्यूरिंग द ईयर परचेस क्या होगा, उससे क्या एंट्री पास किया होगा? बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। यस सर। कितने का डिस्काउंट मिला ड्यूरिंग द ईयर? टोटल डिस्काउंट 98 लाख। नाउ व्हाट इज माय अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? 24,000। 98 लाख है या 98,000 है? 98,000 और 98,000 बिल परचेस तो 5 लाख दिया। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट। 98 लाख है, कोई भी चेंज नहीं है। व्हाट इज माय क्लोजिंग रिबेट? 24,000। उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंट के डेबिट में टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अमाउंट
24,000 फिर एंट्री करते ना ट्रांसफर टू पीएनएल, उसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टू पीएनएल, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो अमाउंट कैसे आता है? डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एट द एंड ऑफ द ईयर। और ऐसे यहाँ पर एट द एंड ऑफ द ईयर माय क्लोजिंग रिबेट टू बैलेंस कैरीड डाउन, इस साल का क्लोजिंग विल बिकम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। कितना जाएगा पीएनएल में? 98,21,000। यस सर। चल राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट नंबर 3। Since on the last date, bracket में, that is on 31st March 2015, bracket close, the value of security is 1,00,000 × 85. That is 85 lakh. And the loan amount is only 50 lakh. Hence, the loan will be classified as secured as on balance sheet date. Is it clear? Sir, हम लोग realizable value